स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा था कि अगर हमको एक किसी सिंगल स्पान बीम के लिए कोलैप्स लोड निकालना हो अंडर सिंगल लोड और सेट ऑफ लोड तो हम कैसे निकालते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर एक कंटिन्यूस बीम के ऊपर लोडिंग है तो उससे हमको अगर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी निकालनी है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोसीजर सेम रहती है जैसे कोलैप्स लोड निकालते हैं, बस वहाँ पर हम डब्ल्यू सी फाइंड आउट करते थे, अब यहाँ पर हम एम पी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखते हैं उसमें क्या है। इन द कंटिन्यूस बीम शोन इन फिगर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ ए बी इज टू बी केप्ट ट्वाइस दैट ऑफ बी सी। डिटरमाइन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम इफ द लोड शोन आर वर्किंग लोड्स, टेक लोड फैक्टर एज 1.5। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि कंटिन्यूस बीम है उसमें जो ए बी दो स्पान आपको दिए हैं ए बी और बी सी, तो जो ए बी स्पान है उसका प्लास्टिक मोमेंट आपका ट्वाइस है किसके, बी सी के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर बी सी का प्लास्टिक मोमेंट एम पी है तो ए बी का कितना होगा, 2 MPa, डबल ऑफ बी सी। ठीक है, डिटरमाइन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम इफ लोड शोन आर वर्किंग लोड। ठीक है, लिखा क्या है कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी मेरे को निकालना, मतलब एम पी की वैल्यू निकालनी है, पर जो यहाँ पर लोड आपको बीम में दिए हुए हैं वो वर्किंग लोड है। ठीक है, टेक लोड फैक्टर एज 1.5, हमको लोड फैक्टर 1.5 लेना। वर्किंग लोड और कोलैप्स लोड में डिफरेंस क्या है कि ये प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक मोमेंट, ये सब मेरे को कहाँ मिलते हैं, ये सब मेरे को मिलते हैं कोलैप्स लोड में। ठीक है, तो जो भी लोड फैक्टर हमको दिया हुआ है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, अपने वर्किंग लोड में, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कोलैप्स लोड में। और फिर आगे की प्रोसीजर सेम है जैसे हम आज तक करते आए हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दो स्पान है कंटिन्यूस बीम है, तो दो स्पान है ए बी और बी सी, तो हम आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ए बी स्पान को सॉल्व करना है, दूसरे सेकंड टाइम बी सी को करना है। उन दोनों में से जिसकी भी एम पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको हमको कंसिडर करना है कि वो एम पी होगा होल बीम के लिए, होल कंटिन्यूस बीम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बी सी बी एम पी। ठीक है, वही जो भी मैंने एक्सप्लेन करा कि बी सी का प्लास्टिक मोमेंट एम पी है तो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ ए बी विल बी 2 MPa, तो उसके कारण ए बी का प्लास्टिक मोमेंट 2 MPa हो जाएगा। इसके बाद है एस कोलैप्स लोड और 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग लोड, देयरफॉर 40 kN बिकम 60 kN एंड 20 बिकम्स 30। ठीक है, 1.5 का मल्टीप्लाई करता हूँ 40 में और 20 में, तो 40 हो जाएगा 60 और 20 हो जाएगा 30, जो कि मैंने आपको नीचे बीम पर फिर दोबारा शो करा। ठीक है, अब कोलैप्स मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले मुझे ए बी का कोलैप्स मैकेनिज्म लूँगा, सेकेंड टाइम में बी सी का लूँगा। तो सबसे मैं लेता हूँ पहले कोलैप्स मैकेनिज्म ऑफ ए बी। ये ए बी बीम है जिसके ऊपर एक 60 kN का लोड लग रहा है जो कि अब कोलैप्स लोड है, मैंने वर्किंग को कोलैप्स में चेंज कर दिया था। अब क्योंकि मैंने पहले ही ये अज्यूम करा था कि मेरा जो ए बी है, ए बी के लिए मेरी एम पी की वैल्यू 2 है और बी सी के लिए मेरी एम पी की वैल्यू क्या है, एम पी है। ठीक है, यहाँ पर 2 MPa है और यहाँ पर एम पी है, तो यहाँ पर अब आपके कंटिन्यूस बीम पे मैंने जो कि पहले देखा है कि प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा, एक तो फिक्स एंड पे होगा, कंटिन्यूस बीम है तो उसके एंड पे होता है, और फिर कहाँ होता है, तीसरा लोड के नीचे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मेरे बीम का जो एम पी था वो कितना था, 2 MPa था, एम पी नहीं था, सिर्फ 2 MPa था, तो इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो मैं यहाँ पर हिंज के ऊपर लिख रहा हूँ 2 MPa, जहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट यहाँ बन रहा है वहाँ पर भी एम पी। और ये बी सी जो है, बी सी पर मेरे को किसका लेना है, जो मेरा नेक्स्ट स्पान है उसका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी थी, एम पी, तो उसको मैंने बी सी पे मुझे एम पी लिखना है। ठीक है, लोड मेरा 3 मीटर की डिस्टेंस पे था राइट लेफ्ट हैंड सपोर्ट से और राइट हैंड सपोर्ट से 1 मीटर पे। ठीक है, इंटरनल वर्क डन वैसे ही जैसे अभी तक हम आज तक करते आए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर और 1 मीटर इक्वल नहीं है, तो इसलिए एक तरफ थीटा 1 मिलेगा और एक तरफ थीटा 2 मिलेगा, और हिंज के ऊपर मिलने वाला मेरे को जो रोटेशन है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 होगा। ठीक है, तो इंटरनल वर्क डन हम देखते हैं क्या होगा, 2 MPa थीटा 1 प्लस थीटा 2 और एम पी थीटा 2, तो 2 MPa थीटा 1 प्लस 2 MPa थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस एम पी थीटा 2। ठीक है, ये वैसे ही है जैसा आज तक हम करते आए हैं, जितने भी प्लास्टिक हिंज बन रहे हैं वहाँ पे आने वाला प्लास्टिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई रोटेशन। ठीक है, यहाँ पर रोटेशन थीटा 1 था तो 2 MPa थीटा 1 हुआ, यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 था, 2 MPa थीटा 1 प्लस थीटा 2 हुआ और एम पी थीटा 2। पर अब वही हम फिर डिफॉर्म शेप की जो प्रॉपर्टी देखते हैं उसके हिसाब से देखें तो डेल्टा, ये जो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है ये किसके बराबर होगा, ये अगर मैं देखूँ टेन थीटा 1 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन 3 थीटा 3, और उसी को जब मैं चेंज करता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो वो क्या हो जाता है, वो मेरा बन के क्या हो जाता है, डेल्टा वैसे मैं देखूँ तो क्या होगी मेरी वैल्यू, थीटा की वैल्यू मेरी होगी डेल्टा अपॉन 3।
है, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 थीटा। सिमिलरली इधर के लिए देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 इंटू थीटा 2। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं तो हमको मिलेगा θ2 = 3θ1, क्योंकि हमको यहाँ पे θ2 की वैल्यू को चेंज करना था। तो अब इंटरनल वर्क डन क्या हो जाएगा, 2 mp θ1 + 2 mp θ1 + 3θ1 + mp3θ1। तो इंटरनल वर्क डन आ जाएगा आपका 3 mp θ1। अब इंटरनल एक्सटर्नल वर्क डन देखते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन हमको पता है क्या होता है, डब्ल्यू सी कोलैप्स लोड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन में क्या है, आपको कोलैप्स लोड पहले से दिया हुआ है ना। पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या होता था, यहाँ पर हमको कोलैप्स लोड नहीं दिया रहता था, तो उसको हम एमपी के फॉर्म में निकालते थे। अब यहाँ पर आपको कोलैप्स लोड 60 दिया है, तो मैंने 60 डेल्टा लिखा। अब डेल्टा की वैल्यू फिर से मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे अननोन जो है मेरे को सिर्फ हटाने हैं सब। तो यहाँ पर θ1 ऊपर मेरे इंटरनल वर्क डन में θ1 था, तो मुझे डेल्टा की जो वैल्यू है वो θ1 के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो आपने जो पिछला इक्वेशन यूज़ करा, आप देखो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, 3θ1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा की जगह पे 3θ1 भी आगे चल के लिखूंगा। तो इंटरनल वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन, तो इंटरनल वर्क डन था 30 npθ1, एक्सटर्नल वर्क डन था 60 डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू मैंने बोला बट डेल्टा इज 3θ1। तो 13 mp θ1 इक्वल्स टू 6 × 3θ1, तो एमपी की वैल्यू आएगी 13.846। ठीक है, अब कोलैप्स मैकेनिज्म बीसी पे चलते हैं, बीसी स्पान लेते हैं। बीसी पे क्योंकि 30 kN का लोड सेंटर पे ही लग रहा था, तो दोनों तरफ थीटा थीटा मिलेगा और एमपी पर मुझे थीटा मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कंटिन्यूस सपोर्ट जो था वो बी था, तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक मूवमेंट मिलेगा। लोड के नीचे आपको प्लास्टिक मूवमेंट और हिंज मिलेंगे, दोनों जगह प्लास्टिक हिंज। पर सी क्या है, सी सिंपली सपोर्टेड एंड था, सी कंटिन्यूअस नहीं था, क्योंकि सी पर मेरी बीम जो थी वो ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पर सी पर कोई भी एमपी नहीं आएगा, तो आपको आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में मैंने जो ये सिंपली सपोर्टेड था वहाँ पर मैंने एमपी लिया था, क्योंकि वो कंटिन्यूअस था। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एमपी नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब इंटरनल वर्क डन देखते हैं क्या हो जाएगा, mp θ + mp2θ। ठीक है, mp θ + mp2θ, तो यहाँ से mp3θ आ गया। अब क्योंकि लोड सेंटर पे था, तो दोनों तरफ से थीटा थीटा है, तो इसलिए θ1 और θ2 वाली प्रॉब्लम हमको यहाँ पर नहीं है, सिंपल है। एक्सटर्नल वर्क डन है आपका wc × डेल्टा। ठीक है, तो wc आपको पता है कोलैप्स लोड इस वाले स्पान के लिए कितना है, 30, तो 30 × डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू सेम आप देखें तो फिर वही है, डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो डेल्टा अपॉन 2 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2θ। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2θ। अब एक्सटर्नल वर्क डन आपका हो जाएगा 30 × 2θ। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा 60 × θ। दोनों को इक्वेट करते हो तो एमपी हमको मिलेगा 20 kNm का। एक्सटर्नल वर्क डन कर लिया हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल को हमने इक्वेट करा, तो एमपी मिला 20 kNm। तो अब इसमें से मेरे को सबसे ज़्यादा वाला मोमेंट लेना है, तो फॉर इक्वेशन 1 और 2 दोनों एमपी जो आए हैं उनको देखें, तो आपको एमपी की वैल्यू आई है 20 kNm। और इस वजह से प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, स्पान ए बी के लिए जिसके लिए हमने 2 MP माना था, तो एमपी की वैल्यू हो जाएगी 40, और बी सी जिसके लिए हमने सिर्फ एमपी माना था उसके लिए वैल्यू हो जाएगी 20। तो इस तरीके से आप इस टाइप के भी प्रॉब्लम जिसमें कंटिन्यूस बीम्स हैं, तो उसमें हमको बस थोड़े से ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है कंटिन्यूस सपोर्ट पे हमको प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना है, और एंड पे नहीं होता है अगर एंड पे सिंपली सपोर्टेड एंड है। तो बाकी प्रोसीजर सेम है, आप उसी को फॉलो करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।